अग्रवाल समाज द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष के सम्मान में समारोह आयोजित। शुक्रवार को अग्रवाल समाज द्वारा मोरवा स्थित अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के अग्रवाल समाज समेत व्यापारी वर्ग व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रसेन भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष के सम्मान में अग्रवाल समाज के संरक्षक विनोद गोयल, फिर भूपेंद्र गर्ग एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी ने बताया कि श्री वीरेंद्र गोयल हमेशा अग्रवाल समाज के लिए तत्पर रहते हैं। राजनीति में एक आयाम पाने के बाद भी वह सरल और मिलनसार व्यक्ति बने हुए हैं। यह ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने पार्टी में रहकर अपनी अलग पहचान बनाई एवं सभी को संतुष्ट करने का कार्य किया है, इसलिए यह निर्विरोधी जिलाध्यक्ष के तौर पर देखे जाते हैं। अपने सम्मान से अभिभूत दिखे भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने अपने उद्बोधन में बताया कि अग्रवाल समाज के ज्यादातर लोग भले ही राजनीति में सक्रिय नहीं दिखते, परंतु किसी भी सरकार में उनकी भूमिका किंग मेकर की रहती है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष जून में जब उन्हें जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, उस समय शीर्ष पद पर कोई भी अग्रवाल समाज का व्यक्ति नहीं था, जिसके लिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी। परिणाम स्वरूप दिसंबर माह में कार्य को देखते हुए अग्रवाल समाज से दो व्यक्तियों को चयनित किया गया। एक और जहां वीरेंद्र गोयल को पुनः जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, वहीं तीन वर्षों से सेक्टर प्रभारी का कुशल नेतृत्व संभालने को लेकर भूपेंद्र गर्ग को मंडल अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि वह क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराएं, क्योंकि एक जिला अध्यक्ष का कार्यकाल मात्र 3 वर्षों का रहता है और उनकी एक ख्वाहिश है कि इस दौरान वह क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। मुझे आप सब लोग सक्षम बनाएं कि आने वाले समय में ऐसी मेरी बात छोटी करता रहे। आप सबों के बीच में आप सबों की अगर छोटा सा दर्द होगा तो उस दर्द को दूर करने का पूरा मैं आप सबों को वादा करता हूँ, उस दर्द को मिटाने का प्रयास करूंगा। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा, वह दिन दूर नहीं। हो सकता है कि कोई को बात मेरी अच्छी न लगे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मध्य प्रदेश में परचम मैं अपने जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में लाकर के दिखाने का प्रयास करूंगा। यह मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि अभी आप सबों ने देखा हो, आज अभी हमारी 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाकर के घोषणा, जगह जगह जाकर के घर घर जाकर के प्रचार प्रसार उस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के करने पर मजबूर हुई है। और कोई कारण नहीं है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम या कोई ऐसा नियम नहीं बना दिया गया कि हमारी आपकी नागरिकता जा रही है। यह नागरिकता देने का विषय है, नागरिकता छीनने का विषय नहीं है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा आप टीवी के माध्यम से सब जगह देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक अराजकता का माहौल निर्मित किया गया है। हमारे राष्ट्रीय संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, किसी की बस फूंक दी जा रही है, किसी का घर फूंक दिया जा रहा है, किसी को कत्लेआम कर दिया जा रहा है। मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यह आदेशित किया गया प्रत्येक जिले को कि आप लोग जगह जगह जाकर के छोटी छोटी गोष्ठियां करें। हम ऐसे देश के आजाद होने के बाद जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींची गई, उस पाकिस्तान की धरती में जो हिंदू भाई उस रेखा की वजह से उस देश में चले गए थे और उनके साथ में उस पाकिस्तान जैसे देश में उनकी बहनों के साथ,
उनकी माताओं के साथ जिस तरह की प्रताड़ना से प्रताड़ित किया गया, उनको हिंदू रीति रिवाज से की हुई शादियों पर उस महिला को उठा करके उससे ज्यादा से उम्र के आदमी से व्यक्ति से शादी करा करके उसके धर्मांतरण करा दिया गया। ऐसे हिंदू भाई जो कि इस देश में धीरे धीरे पलायन करके वीजा लेकर के आते चले गए और इस देश में इस भारत सरकार के कानून के हिसाब से इस भारत की नागरिकता वैसा व्यक्ति 11 वर्ष में प्राप्त करता था, 11 वर्ष बाद आवेदन करता था और उस आवेदन के बाद अगर भारत सरकार को उसमें संस्तुति देती थी तो उसको नागरिकता प्राप्त होती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको 5 वर्ष उसकी सीमा कर दिया, इसलिए 31 दिसंबर 2014 तक ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो कि हमारे भारत देश का एक हिस्सा था, उस देश में रहने वाला हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोग जो कि वहां पर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, वैसे अल्पसंख्यकों को जो हमारे देश में निवास कर रहे थे वैसे शरणार्थियों को भारत सरकार नागरिकता देने जा रही है।